हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बी एड सेकंड में हिंदी शिक्षण में इकाई एक का अध्ययन कर रहे हैं। दीनार बाद उल्लेख हुए हैं जो इस 8/2020 कक्षा में बी एड सेकेंड ईयर और विषय है गणित शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई एक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। सृजनात्मकता यानी जो व्यक्ति अपने मतलब अपने समाज में, अपने देश में और जीवन में कुछ नया करना चाहता हो, नया आविष्कार करना चाहता हो, नया नवीन प्रवृत्तियों को लाना चाहता हो, नवीन प्रवृत्ति को मतलब उसका आविष्कार करना चाहते हो, उस व्यक्ति को हम सृजनशील व्यक्ति या सृजनकर्ता कहते हैं। और इस प्रक्रिया के आधार पर नया जो होता है उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम सृजनात्मकता कहा जाता है। ये पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। आज हम सृजनात्मकता की प्रकृति या सृजनात्मकता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी सृजनात्मकता की क्या विशेषता है, उसकी क्या प्रकृति है। तो सृजनात्मकता की प्रकृति या हम बोल सकते हैं विशेषता है, ठीक है। आज हम सृजनात्मकता की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने बता दिया कि सृजनशील व्यक्ति होता है या सृजनकर्ता होता है जो हमेशा अपनी सोच से, अपनी विचारधाराओं से एक समाज में नया परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, नई नई चीजों की खोज करता है, नई नई कोई प्रक्रिया, नई नई नवीन प्रवृत्तियों को लाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब होता है कि एक सृजनशील व्यक्ति होता है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो विचारधारा होती है वो सर्वव्यापक होती है, यानी उसकी जो सोच होती है वो बिल्कुल कम नहीं, बहुत लंबी छोटी सोच होती है, बहुत दूर तक दूरदर्शी होता है, बहुत लंबे समय की भविष्य की बातें सोच लेता है, भविष्य में क्या होना है, क्या करना है, किन बातों की खोज करनी है उसके बारे में उसकी एक मतलब उसका जो क्षेत्र होता है, उसकी सोचने की जो शक्ति होती है बहुत लंबी होती है। तो इसकी जो सर्वव्यापकता होता है, उसका जो सोचने का जो होता है क्षेत्र, वो विस्तृत होता है, विस्तारित होता है। यानी इसकी एक विशेषता होती है कि सृजनशील व्यक्ति होता है, सृजनशील होता है, उसकी जो सोच होती है, उसकी विचारधारा होती है, वो हमेशा अपने देश में, अपने समाज में, एक परिवार में नया कुछ करने की रखता है, बाकी जो बालकों से, बाकी जो शिक्षार्थी होते हैं उनसे उसकी जो सोच होती है वो अलग होती है, वो कुछ ज्यादा होती है। तो सर्वव्यापकता। अब दूसरा है नवीनता। दूसरा क्या है? नवीनता का मतलब होता है कुछ नया करने की सोचता है। सर्व मतलब एक सृजनकर्ता हमेशा अपने समाज में और अपने कार्य में कुछ न कुछ नया करने की भले कि जो व्यक्ति एक अपने समाज में और अन्य व्यक्तियों से कुछ नया करने की सोचता है, मतलब कुछ न कुछ जो हो चुका है उसके साथ में चलकर एक नया करने की सोचता है, यानी नवीनता लाने की सोचता है, नई विचारधारा को लागू करने की सोचता है और नए नए आविष्कारों को करने की एक मतलब दिमाग में रखता है। तो यही सृजनकर्ता होता है, सृजनशील व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं नई बातों को लागू करने की कोशिश करता है और नई चीजों को समाज में डालने की कोशिश करता है। तीसरा है प्रक्रिया और फल। प्रक्रिया
किसी व्यक्ति या सृजनकर्ता और सृजनात्मक का इसके अंदर हमेशा प्रक्रिया का पहले से ध्यान होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनाना है, मुझे समाज में क्या परिवर्तन करना है, उसकी पहले से जानकारी उसको होती है, उसको परिणाम की पहले से जानकारी होती है। यानी उसकी जो सोच होती है बाकी शिक्षार्थियों बाकी अधिगमकर्ताओं से उसके थोड़ी अलग होती है, उसकी जो सोच होती है बहुत दूरदर्शी होती है। यानी वो प्रक्रिया और फलों के पहले जो परिणाम आने वाला है उसके बारे में पहले से उसको जानकारी मिल जाती है। तीसरा है, चौथा है परीक्षण द्वारा प्रोसेस, परीक्षण द्वारा पोषित। इसका मतलब होता है कि परीक्षण का मतलब होता है जांच करना, किसी कार्य की जांच करना, जो भी हमने तैयार किया है उसके बारे में तैयार करना। यानी कहीं ना कहीं से एक सृजनशील व्यक्ति उसको एक ऊर्जा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलती है, यानी पोषित होता है। पोषित का मतलब होता है कि जांच करके वो अपने आप में एक अभिप्रेरित होता है, उत्प्रेरित होता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ मुझे कुछ नया बनाना है या मुझे कुछ ये इन्वेंचर करना है। यानी अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर एक अभिप्रेरणा जागृत होती है। उसके बाद है अनुपम, पांचवा है अनुपम। अनुपम का होता है नया, नवीन धारणाओं को लागू करना, नवीनताओं को अपने समाज में डालना। यानी अनुपम यानी नई सोच और नए ख्याल, नई विचारधाराओं को अपने मस्तिष्क में लाना। अनुपम यानी नया अनुभव करना, नया अनुभव करना। इसके बाद है छठा मौलिकता। छठा क्या है? मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है कि सृजनशील व्यक्ति होता है वो सृजनशील में नई खोज, नई बातों को खोज करना एक उसकी मौलिकता है। नई नई बातों को लागू करना, नई नई चीजों को खोजना, नई विचारधाराओं, नए सिद्धांतों, नए नियमों, नई आवश्यकताओं को निकालना, खोलना, बताना, ये किसका है? एक सृजनशील व्यक्ति के अंदर गुण होता है। अगर इस संसार में आप देखो प्राचीन काल से लेकर अभी तक कितना परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन लाने वाले कौन है? सृजनशील व्यक्ति है, सृजनकर्ता होते हैं, जो एक सोच रखते हैं, समाज में कुछ नया करने की सोच रखते हैं कि जो मुझे ये कार्य करना है और मुझे ये परिवर्तन करना है, उनकी जो सोच होती है बाकी व्यक्तियों से अलग होती है। उसके बाद में प्रसन्नता तथा संतोष का स्रोत, प्रसन्नता एवं संतोष का स्रोत, संतोष का स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि एक सृजनशील व्यक्ति होता है उसको नए नए कार्य करने, नए नए बातों को खोजने में उसकी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है, उसको रुचि होती है कि उसको अच्छा मतलब है कि उसको आनंद प्राप्त होता है कि मुझे ये इस चीज में खुशी है, मुझे ये कार्य करने में खुशी है। तो ऑटोमेटिक जब आनंद की प्राप्ति होती है, उसको रुचि की प्राप्ति होती है, उसको खुशी मिलती है, तो उस कार्य को और तेज गति से करता है और अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। उसके बाद में लोचशीलता, आठवां है लोचशीलता। सृजनशील व्यक्ति उसके अंदर लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन। अगर वो लचीलापन नहीं रखेगा तो हमेशा किसी भी नई बातों को या नई चीज नवीनताओं की खोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक सृजनशील व्यक्ति होता है उसके अंदर एक उसके मस्तिष्क होता है वो लोचिल होता है, लचीलापन होता है, जैसा उसको बोले उसको कर सकता है। कठोरतापन हो तो वो भी कभी भी नवीनता नहीं ला पाता। फिर प्रतिक्रियाओं की बहुलता, क्या है प्रतिक्रियाओं की बहुलता, बहुलता मतलब अधिक। यानी जो भी उसके मन में प्रतिक्रिया होती है उसका आजी जवाब देने में वो विश्वास रखते हैं। कोई भी कार्य करता है उसमें उसको मतलब उसका उत्तर निकालने में, उसकी खोज करने में वो विश्वास करता है। यानी किसी भी बात को, किसी भी विचारधारा को, किसी भी सिद्धांत को वो एकदम से नहीं मानता, जब तक वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है तब तक उन बातों को नहीं मानता या नहीं लागू करता। यानी कहीं ना कहीं वो
सच पे या निष्कर्ष पे ही अपना डिसीजन लेता है। विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, मैंने अभी बताया था कि सर्व व्यापक है, कभी कोई बात बोलूंगा कि इसके लिए कोई भला है कि सृजनशील व्यक्ति होता है, सृजनशील करता होता है, उसकी सोच होती है वो विस्तृत होती है, बहुत भला है कि बड़ा सोच के वो कार्य करता है, यानी अगर उसकी सोच अगर बड़ी नहीं होगी तो समाज में परिवर्तन कैसे लाएगा, समाज में वो कार्य कैसे करेगा, यानी किसी न किसी, यानी कहते हैं कि 100 में से किसी 10 व्यक्ति के पास में ऐसी सोच होती है और वह 10 व्यक्ति ही 90 व्यक्तियों के लिए फायदा पहुंचाते हैं। अगर ऐसी सृजनशील और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति अगर समाज में नहीं हो तो फिर इस समाज में, इस देश में, इस राष्ट्र में परिवर्तन कैसे होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बोले कि कहीं ना कहीं परीक्षण, कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए। पुनः व्याख्या, याद आया, पुनः व्याख्या, पुनः व्याख्या का मतलब होता है कि जो भी कार्य वाला करते हैं उसका पुनः परीक्षण किया जाए, वो पुनः परीक्षण वो करता है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वो कार्य सही है या गलत है, उस कार्य को बार बार करके, बार बार अभ्यास करके निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष बताता है। तो यानी कहीं ना कहीं वो उस कार्य की वो जांच करता रहता है। उसके बाद में सृजनात्मकता का सृजनशील, सृजनशील व्यक्ति का व्यक्तित्व, सृजनशील व्यक्तित्व यानी उसका जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, एक विनम्रतापूर्ण होता है, आदरपूर्ण होता है, जिसकी जो कल्पना शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती है, वो सोचने शक्ति, समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब बहुत ऊंची होती है, वो नया करने की वो हमेशा दिमाग में रखता है। तो ये थे अपने एक सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषता। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे।